जानते हो मैं कौन हूँ? इंस्पेक्टर मधुमति। गोलियां चलाना मेरा काम है। ईव टीजिंग के आरोप में ससुराल ले जा सकती हूँ। ससुराल गेंदा। तुम जानती हो मैं कौन हूँ? तुम्हें जानकर क्या करूँ? अगर तुम कोई बड़े ऑफिसर भी हो ना तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मन में पाप ना हो तो देखने में बुराई क्या है? क्या कहा? कल भी मैं तुम्हें देख रहा था। घर में माँ बहन नहीं है क्या? धीरे धीरे हौले हौले मेरा देखना घूरने में बदल गया। अच्छा, क्या धोया? ओह, कल जब तुम गुंडों की धुलाई कर रही थी तब एक गधा पीछे से आया, तुमने उसे देखा तक नहीं पर हाथ पीछे करके उसे उठा के क्या जोर से 50 रियर्सल किए थे। उस गुंडे का जो सर फूटा ना, दैट वाज रियली ब्रिलियंट। अच्छा बेटा, ट्रूली ट्रूली इंप्रेस्ड मी। मेरी हालत ऐसी है जैसे बेगानी शादी। रियली ब्रिलियंट। पर मैं ये बात करने नहीं आया। कल सुबह मैंने तुम्हें फर्स्ट टाइम देखा, कार से उतरी तो थोड़ा और गौर से देखा, आज फिर हमारी यहाँ मुलाकात हुई। हम दोनों ने एक दूसरे को कितनी बार देखा ना। कल आज की देखा देखी में मैं तुम्हें अनदेखा नहीं कर सकता था। मुझे लगता है एक अनजानी सी शक्ति हमें एक दूसरे के पास ला रही है, इसीलिए टकरा रहे हैं। मधुमति, इस फैन की एक छोटी सी विश है। वो क्या? आपके साथ एक रोज। एक रोज? एक साथ। एक साथ तुम्हारे पास। मेरे पास? बैठ कर एक कप गर्मा गर्म कॉफी पीनी है, स्ट्रॉन्ग। बेड़ा गर्क। कॉफी। यस, कॉफी। बाय द वे, तुम किस थाने में तैनात हो? सिंगम चौकी। पता है, थाने में मेरी बहुत चलती। पब्लिक प्लेस में सैल्यूट करने की जरूरत नहीं है। डिपार्टमेंट वाले मुझे कुछ ज्यादा ही रिस्पेक्ट करते हैं, यू सी। दैट्स गुड। तुम्हारी तो तारीफ हो गई, मेरे बारे में नहीं जानना? मैं क्यों जानूं कि तुम कौन हो? तुम्हारे बारे में मेरे को जानने का कोई शौक नहीं है। मैं तो हमेशा उन चार लोगों के बारे में सोचती हूँ। कौन है वो? रम्या, सौम्या, कालिया, बालिया। वो कौन? रम्या, सौम्या, कालिया, बालिया। ये चारों सुबह थाने आए थे कंप्लेंट लॉज करने, और उनकी कंप्लेंट ये है कि वो शादी नहीं करना चाहते और उन पर जबरदस्ती की जा रही है। मेरे लिए ये केस इम्पोर्टेंट है, ना कि ये इम्पोर्टेंट है कि पीएम को क्या चाहिए, सीएम को क्या चाहिए, अब या फिर तुम्हें क्या चाहिए। या ट्रू या गुड, दैट्स रियली गुड। तुम्हारे लिए काम ही सब कुछ है। वेरी इम्प्रेसिव, दैट्स रियली गुड। वेटर। यस मैम। बिल प्लीज। ओके मैम। बिल मैं भरूंगा, वेट। फोन। श्योर। हेलो शीला। तुझे मेरा एड्रेस चाहिए? हाँ, लिख लेना। अच्छे से नोट कर ले। नंबर 18, प्रगति नगर, कपूर बस्ती। याद रहेगा ना? नहीं, मैं दिन में बाहर हूँ, रात को 8 बजे के बाद घर पे रहूंगी। हाँ हाँ, या मुझे गुंडों को पकड़ना है। थैंक्स फॉर द कॉफी। वेलकम। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। टेक केयर। यू टू। अरे कपूर बस्ती। ये तुम वहाँ भूल गई थी, इसलिए देने आ गया। कर्चीफ। तुम इसे वहाँ रेस्टोरेंट में भूल गई थी इसलिए। इतनी रात को देने आए, कल भी तो दे सकते थे। वो क्या है, जब किसी की कोई चीज मेरे नजरों के सामने खो जाए तो उसे लौटाए बिना मुझे नींद नहीं आती। रहा नहीं गया इसलिए देने चला आया। ओ, सिर्फ रुमाल ही देने आए हो?
ओके हेलो जी, आखिर माजरा क्या है? वो लव शाव, क्या मैं अच्छा नहीं दिखता? नो, यहाँ मैटर थोड़ा अलग है। यहाँ बात आती है सिंसेरिटी की, क्योंकि मैंने पुलिस ऑफिसर बनकर देश के लोगों की सेवा करने की कसम खाई है। ये सब तो मेरे डायलॉग्स हैं। हमारे ख्यालात कितने मिलते हैं? हाँ? तो क्या तुम कभी भी किसी से प्यार नहीं करोगी? I might fall in love, पर लड़का पुलिस ऑफिसर होना चाहिए, तभी बात बनेगी। तुम्हें कोई अपने जैसा पुलिस वाला मिल जाए तो क्या तुम उससे शादी करोगी? या why not? See you tomorrow. हाँ हाँ, आने दो, ready हूँ। करमवीर प्रताप। ड्यूटी वाली ब्यूटी। सालों पहले हमारे स्टेट का सलीम नाम का एक छोटा कॉन्ट्रैक्टर आज दुनिया में बिजनेसमैन अल सलीम के नाम से मशहूर है। सलीम ने अपना सफर छोटे कॉन्ट्रैक्टर के रूप में शुरू किया था, पर 25 सालों में वो दुनिया के नंबर वन बिजनेसमैन बन गए हैं। 8 सालों बाद वो अपने देश लौटे हैं। अगर अल सलीम जी हमारी मदद ना करें तो मैं कुछ नहीं और हमारी पार्टी भी कुछ नहीं। आज तो मैं बहुत खुश हूँ। अगर भारत आज तरक्की कर रहा है तो वो सिर्फ अल सलीम जी की वजह से। उनके बिजनेस में पार्टनर बनना ये मेरी खुशकिस्मती है। मेरे इस राज्य के मुख्यमंत्री बनने का कारण वही है। सर। यस। इंस्पेक्टर मधुमती आई है। या, अलविदा। नमस्ते सर। हाँ, नमस्ते। किसे ढूंढ रहे हैं सर? इंस्पेक्टर मधुमती को। मैं ही तो हूँ। क्या? हाँ, इंस्पेक्टर मधुमती की बात कर रहा हूँ। वही तो हूँ। मैं बात कर रहा हूँ सिंघम थाने में तैनात इंस्पेक्टर मधुमती की। हमारे पूरे स्टेट में सिर्फ एक ही कपूर बस्ती है, उस एक कपूर बस्ती में भी सिर्फ एक ही सिंघम थाना है, उस एक लौते पुलिस स्टेशन में मधुमती नाम की एक लौती कुंवारी मैं ही हूँ सर। कोई और मधुमती है जिसका ट्रांसफर पिछले हफ्ते हुआ है? इस भारत देश में हमारा ये एक ही शहर है और हमारे इस शहर में ये एक ही कपूर बस्ती है और उसी एक लौती कपूर बस्ती में एक लौता सिंघम थाना है और उस एक लौते पुलिस स्टेशन में क्रिमिनल्स की पुंगी बजाने वाली इंस्पेक्टर मधुमती मैं ही हूँ। 100% श्योर हो? हाँ। हीरो आ गया। हीरोइन रेडी है कि नहीं? जाओ जाओ। लाइट्स कैमरा चलो। तुम इनके हाथों मार खाओगे या मेरे हाथों मरोगे? तुम मारोगे तो बॉडी में दर्द होगा और ये मारेंगे तो मैं सीधा ऊपर पहुंच जाऊंगा। नो, दिस इज माय केस। मैं अपने स्टाइल से ही सॉल्व करूंगी। तुम बीच में बताओ। ओके, मुझे मारना छोड़ो। ये पुलिस सायरन तुमने कहां से भाड़े पे लिया? चोर बाजार सुपरमार्केट से। वो क्या है ना, मैंने डिपार्टमेंट वालों से कहा कि नया सायरन ला दो, पुरानी की बैटरी चली गई है। अरे अब डिस्टर्ब मत करो, मुझे मेरी ड्यूटी करने दो ना। मुझे भी अपनी ड्यूटी करनी है इंस्पेक्टर मधुमती। यस सर। मेरी बहन तुम यहाँ? क्या कहा, तुम क्या मेरे भाई हो? क्या तुम्हारे और मेरे बाप अलग अलग है? हाँ अलग है। इतने दिनों से मैं परेशान थी कि मेरे दूसरे बैच और बेल्ट को आखिर आसमान निगल गया या जमीन खा गई, पर वो तो ये तेरी जोड़ीदार है। ये अच्छी लड़की है बहन। अच्छी लड़की है। ये धांधली क्यों की रे तूने? वो क्या है ना कि मैं इनसे प्यार करती हूँ। इन्होंने कहा ये सिर्फ किसी पुलिस वाली से ही प्यार करेगी। शट अप। आइए आइए, अंदर आ जाइए। अरे अरे, तुम यहाँ कैसे आई? टेंशन मत लो। तुम्हारी बिल किसने करवाई? फिश करी है, चिकन करी है, धनिया मार के रेडी है पतिदेव। पतिदेव? कौन पतिदेव? सासू माँ। क्या हुआ बहू? सासू माँ, इन्होंने मुझे बहू बना लिया, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? माँ ये पुलिस ऑफिसर नहीं है। जानती हूँ। ये धोखेबाज है। नहीं बेटा, इसने तुमसे जरूर झूठ बोला, पर इसके प्यार में बिल्कुल भी खोट नहीं है। तुम अपनी ड्यूटी से जितना प्यार करते हो ना, उतना ही प्यार ये तुमसे करती है। अच्छा बताओ, मेरा बेटा कितना महंगा पड़ा तुम्हें? पूरे 50,40,000। हाथ हटा। डांट मत उसे। ओके ओके
यहाँ रहने की परमिशन दे रहा हूँ लेकिन उसका गलत फायदा नहीं उठाओगी। ओके 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 ओके। सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। ओके 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 ओके। हर बात के लिए ओके ओके कहने की जरूरत नहीं है। ओके और ओके। करमवीर की स्पेशल टीम बनाने के बाद कोई भी पुलिस स्टेशन से मायूस होकर नहीं लौटता। आज जनता के साथ पुलिस वालों का रिश्ता सुधरता जा रहा है। She's on main screen, sir. Let me see. Hello, मेरे कंप्लेन है। चलो यहाँ से। तुम्हें शायद मैं पागल लग रही हूँ। नहीं बेटा, मैं खुद को जिंदा रखने के लिए पागलपन का नाटक कर रही हूँ ताकि वो लोग मुझे मार ना डालें। शायद अपने बेटे जैसे ईमानदार पुलिस ऑफिसर को देखने के लिए आज तक जिंदा हूँ। बेटा, मैं तुमसे गुजारिश करती हूँ, क्या तुम मेरे बेटे को ढूंढ कर ला सकते हो? जब कोई खो जाता है तो पुलिस स्टेशन में कंप्लेन लिखवाते हैं। मेरा बेटा तो खुद पुलिस ऑफिसर था। मैंने तो पुलिस वालों से पुलिस ऑफिसर के खोने की रिपोर्ट लिखवाई लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक माँ का दर्द उन्हें नहीं दिखाई दिया। बेटा, इसमें जरूर कोई साजिश है। अपने बेटे को अच्छा इंसान बनाना गुनाह है। अपने बेटे को एक ईमानदार और मेहनती पुलिस ऑफिसर बनाना गुनाह है। वो मेरा इकलौता बेटा है, उसकी सलामती की दुआ मैं सुबह शाम मांगती हूँ। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं बचूंगी। जैसे हम कुछ पैसे डोनेशन बॉक्स में डालकर भगवान को अपनी तकलीफ बताते हैं, वैसे ही फोन बॉक्स में एक रुपया डालकर तुम्हें अपनी तकलीफ बताते हैं ताकि भगवान की तरह तुम पुलिस वाले भी हमारी मदद कर सको। तुम्हारे आगे अपनी झोली फैलाकर अपने बेटे की जिंदगी की भीख मांग रही हूँ। कौन सजा देगा? चुपचाप सर्वनाश होते देखोगे?